नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से चालू करते हैं और आप सबका स्वागत है चैनल पे। जैसा आपको पता है कि मैं ये मेरा चैनल है मेक वन बिलियन एलएसजी ग्रुप के द्वारा, इंडिया के द्वारा। ये हिंदी की चैनल है जिसमें मैं आपको शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बारे में आइडिया देता रहता हूँ। तो अभी तो फिलहाल सीरीज, पूरी जो सीरीज शुरू है ये P1 यानी प्रोजेक्ट वन है। एक्चुअली प्रोजेक्ट टू है बट मैंने प्रोजेक्ट वन लिखा क्योंकि इस चैनल पे ये प्रोजेक्ट वन है, फर्स्ट टाइम है। प्रोजेक्ट वन क्या है कि आपको हमें हम आपको फाइव स्टॉक्स बताते रहेंगे जिसका हमारा टारगेट है कि हम उसको 300 दिनों के अंदर हम लोग 10% मिनिमम अर्न करें। तो बस यही है टारगेट हमारा कि 5 शेयर से हम 300 डेज के अंदर ही 10% कैसे अर्न कर सकते हैं उसके बारे में बताना। और ये ऐसा नहीं कि मैं केवल बता देता हूँ, मैं बाई करता हूँ और उसको देखता हूँ। और ये मैंने टारगेट खुद के लिए रखा है, बाकी अगर आपको इसको फॉलो करना है, नहीं फॉलो करना, आपको बाई पैटर्न वही करना है तो आपकी चॉइस है। बाकी ये पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पज से है। शेयर मार्केट इज वेरी गुड टू इन्वेस्ट। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं प्लीज इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। किसी भी फील्ड में आप करना चाहते हैं करना शुरू कीजिए। शेयर मार्केट से डर लगता है, FD डालिए, RD डालिए, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप शेयर मार्केट पढ़ के करिए। इतना मुश्किल नहीं है, आपके सामने ही पूरी मैं एक्सेल शीट दिखाता हूँ, पूरे बाई करता हूँ और करता हूँ। पिछले बार से जो आपको वीडियो आया था 5 दिन पहले, उसमें मैंने यही आपको बताया था कि अगर आप मतलब मैं आपको सामने अब नहीं खरीदूंगा, मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा कि कल कौन सा शेयर खरीदने वाला हूँ। तो उस दिन मैंने 5 शेयर रिकमेंड किए थे जिनको मैंने बाई कर लिया था, और आज भी मैं 5 शेयर आपको रिकमेंड करूंगा जिनको कल मैं बाई कर लूंगा मॉर्निंग में 9:15 के बाद। तो मैं उस टाइम पे बाई करूंगा, ऑलरेडी उनको लगा के रख दिया है और सुबह होते ही मैं उनको सबसे पहले बाई करूंगा। तो ये मेरा पूरा चैनल है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और आगे हम बढ़ते हैं एक्सेल शीट पे, देखते हैं प्रोग्रेस क्या है पूरे वीक की। तो आज का ये कि दो MLM मैं तो बताना चाहता हूँ कि महिंद्रा अपोलो हॉस्पिटल, ये 1 तारीख और 2 अगस्त को हो गए थे मैच्योर 10%, यानी उन्होंने 10% अपना टारगेट अचीव कर लिया था। आज 3 अगस्त को ब्लू डार्ट ने अपना अचीव कर दिया है विदिन 27 डेज, और अदानी इंटरप्राइज ने 9 दिन के अंदर ही अपना टारगेट अचीव कर लिया है 10% पहुंच के। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हो गया। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा रहा है वो 34 डेज लगे अपोलो को इसमें, और सबसे छोटा 2 दिन में MRPL ने 10% टारगेट अचीव किया था। तो आप देख सकते हैं ये सब स्टॉक्स ने 10% अचीव कर लिया है। और इवन जो व्हाइट आपको दिख रहे हैं उनको मैंने GTT में लगा के रखा है। GTT मतलब 10% से ऊपर जा रहे हैं, और मैं उसको हमेशा 2% ऊपर बढ़ाते जा रहा हूँ। जैसे जैसे वो बढ़ते रहे वैसे बढ़ रहा हूँ। यानी अगर आप देखोगे तो उस तरह से 10% होने के बावजूद भी एशियन पेंट्स ने मुझे 24% का प्रॉफिट दिया है, वहीं अदानी ट्रांसमिशन ने मुझे 22% का दिया है, Mindtree 14% पर क्लोज हुआ था, और बजाज फाइनेंस 18% के अप पे चला गया है। यानी अगर मैं 10% पे ना बेच के मैंने उसमें GTT लगाई जीरोधा में, और GTT लगाने के कारण अब वो 18% प्रॉफिट में है अभी भी। कल को मार्केट डाउन हो जाए मेरे पास पूरे कैश पड़े होंगे, ये सबसे बड़ा फायदा है GTT का। और अब चलिए देखते हैं कि सबसे पूरे शेयर में देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा नीचे और सबसे ज्यादा ऊपर कौन है परसेंटेज वाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमें देखना। तो सबसे ज्यादा नीचे 2 टॉप ले लेते हैं, टॉप 2 वेदांता एंड HCL टेक। ये अभी भी 10 माइनस में चल रहे हैं, काफी -9% है, -8%। और जब मैंने इनको लिया था तो आपके सामने ही लिया था, और उसमें देखा था कि हमने कुछ बताए थे उस प्राइस पे नहीं लिया था, लेकिन मेरे पास ये दोनों स्टॉक पहले से पड़े हुए थे हाई प्राइस पे, इसके कारण ही ये निगेटिव है। बट आई एम श्योर कि ये कवर कर लेंगे। और अगर आप ओवरऑल देखो तो जब हमने ये पूरा सीरीज शुरू किया था तो हमारा दूसरे दिन ही जो पुराने शेयर मैंने ऐड किए थे उसके कारण -7% था, और आज हम 5%। एक्चुअली अगर -7 से 5 देखें तो हम 13% अप में हैं, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। हमारा टारगेट है 10% पॉजिटिव लाना, तो हमने 10% पॉजिटिव लाना है। अगर आप लोगों ने उस टाइम से ही बाई कर रहे होते जो शेयर मैंने रिकमेंड किए थे तो आप ऑलरेडी 13% अचीव कर चुके होते अब तक, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि और अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्लोज कौन है जो शेयर जल्दी ही अब 10% के पास पहुंचने वाले हैं। टॉप 2 देखेंगे जो शायद इस हफ्ते में अपने आप को इनके पास ही पहुंचा दें। 10% हो चुके हैं, 8% एंड 6.67 एंड 6.48 देखते रहे। 6.48 देखेंगे तो इंडस टावर तक तो पहले ही बिक चुका है। IDFC फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक, ये दोनों काफी क्लोज है। और आई एम श्योर कि जरूरी नहीं कि ये दोनों ही, कोई भी शेयर आजकल एक एक दिन में 3-3%, 4-4% बढ़ रहे हैं। पिछले वीक का आपको आपने देखा है कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज यानी पूरे बजाज
कंपनीज के शेयर्स ने भयंकर रिकवर किया था और विद इन अ डे 10% के ऊपर पहुंच गए थे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा आज कल के रिकमेंडेड 5 शेयर कौन से हैं जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं। आपको मैं आपको दिखाता हूं कि कल के लिए मेरे 5 शेयर कौन से हैं। तो और ये कहूंगा कि आप इनको प्लीज फॉलो कर दीजिए। अगर आप अपना खुद का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लीज एक्सेल शीट बना के फॉलो करेंगे तो आपको काफी चीजें पता चलती हैं। प्लस और एक ही रिकमेंडेशन है कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो जो आपकी कमाई है उसके 10% से ऊपर का फिलहाल मत डालिए जब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते। तो मिनिमम 10% तो इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, लेकिन जब आप नहीं जानते हैं शेयर मार्केट तो मैक्सिमम 10% कीजिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, बढ़ने लगे धीरे धीरे, तो आप कीजिए। लेकिन पहले साल के लिए, पहले साल अगर आपका ये पहला साल है शेयर मार्केट में, तो मैक्सिमम 10% ऑफ योर इनकम ही शेयर मार्केट में डालिए, ठीक है। फिर चलिए चलते हैं। पहले मैं ये एक्सिस बैंक है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। एक्सिस एचडीएफसी बैंक फर्स्ट मेरा है रिकमेंडेशन इस कल के लिए। कल मैं ये ले लूंगा और इसकी 4 क्वांटिटी लूंगा। जो आज के टाइम पे 1433 प्राइस है तो टोटल 5000 का इन्वेस्टमेंट, अप्रोक्सीमेटली 6000 का इन्वेस्टमेंट है। दूसरा स्टॉक मैं लूंगा फोन नंबर रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे रुका हुआ है और जिस दिन ये भागेगा उस दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देख के जाएगा। तो कल मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के 4 शेयर ले रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे पास ये पहले से पड़े, जो आपने देखा था कि रिलायंस और ONGC हर दूसरे दिन आ जाते थे, तो वापस रिलायंस काफी दिनों के बाद वापस आया है। तो रिलायंस भी लूंगा जिसमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये आपके बजट के हिसाब से आप लगाइएगा, मैं तो ले रहा हूँ ये शेयर्स। टाटा स्टील अभी स्प्लिट हुआ और स्प्लिट होकर इसने अच्छा खासा दिया है और अभी स्टक पड़ा हुआ है एक जगह पे। लेकिन स्प्लिट होने के कारण कैसा होता है कि जब भी बोनस आता है या डिविडेंड आता है तो स्टॉक हमेशा डाउन जाते हैं और फिर उसके बाद वो उठना चालू करते हैं। तो गुड टाइम टू बाय टाटा स्टील अगेन। एंड 7 स्टॉक कर लूंगा मैं, 107 का है तो करीबन 700 का इन्वेस्टमेंट होगा। आपके बजट के हिसाब से आप कोई भी पांच के पांचों ले सकते हैं या 5 में से कोई भी चूज करते हैं, या क्वांटिटी वाइज आप चाहो तो एक एक क्वांटिटी भी सबकी ले सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना बजट है। UPL है कल के लिए 4th, पिछले वीक भी UPL आया था और इस वीक में भी 4 लूंगा मैं UPL को। काफी दिनों से शांत बैठा है लेकिन अभी काफी अच्छा जा रहा है, 1 महीने से अच्छा जा रहा है और ये स्टॉक काफी अच्छा है। 5वां स्टॉक है विप्रो। विप्रो भी काफी निगेटिव गया हुआ है, करीबन 23 से 24% निगेटिव है पिछले एक साल में, एक साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये गुड टाइम है कि आप इसको बाय करो, आपको ऑलरेडी 20% का प्रीमियम मिल जाएगा। तो ये मेरे 5 स्टॉक हैं जो कल मैं बाय करूंगा। बाकी आप प्लीज चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए कि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।